Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today we talk about a very important topic which is polarization of light. So let's start the video. So this showing the polarized light. The polarized light vibrates lie in polarized light vibration lie on one single plane only. तो पोलराइज के केस में जो पोलराइजेशन डायरेक्शन होता है वो केवल सिंगल डायरेक्शन होता है. लाइट केवल सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है. और अनपोलराइज लाइट को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं जहां हम देख रहे हैं कि लाइट की डायरेक्शन बहुत सारी है, यानी सुपर पोजिशन ऑफ मेनी बीम्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन बट ईच विथ रैंडम पोलराइजेशन. तो अनपोलराइज बीम में कई डायरेक्शन हो सकते हैं लेकिन पोलराइज बीम में एक सिंगल डायरेक्शन होता है, तो इसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट और इसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है अनपोलराइज लाइट और ये पोलराइज लाइट. ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ये सारे, और जो रेड कलर का डॉट है ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को जो बाहर की तरफ है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. उसी तरीके से ये पोलराइज लाइट जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सिंगल डायरेक्शन से दिखाया गया. अब इसी लाइट को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे जितने भी ये कंपोनेंट हैं इनको हम एक्स वाई की तरफ अगर ऐड कर लें तो ये एक्स का कंपोनेंट इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस, ठीक है. तो इसी को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. ये हो गया एक्सेस. और यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकते हैं बाहर की तरफ इस तरीके से परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. तो पोलराइज लाइट एक सिंगल लाइन होता है इस तरीके का, और अनपोलराइज लाइट में काफ़ी डायरेक्शन होते हैं मेनी डायरेक्शन. ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन अनपोलराइज लाइट में दोनों डायरेक्शन में लाइट है. एक लाइट का डायरेक्शन शो कर रहा है किधर भी. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रो जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में प्रोपागेशन वेक्टर या प्रोपागेशन कॉन्स्टेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. तो ये शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, शो करता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को, और ये जो लाइन है ये शो करता है प्रोपागेशन वेक्टर को. ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो अगर हमें पोलराइज लाइट चाहिए तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से दोनों ही पोलराइज फॉर्म में हैं, दोनों का सिंगल डायरेक्शन है. यहाँ पे दो पोलराइजर लिया गया है, पोलराइजर वन और पोलराइजर टू. एक को हमने वर्टिकली रखा है, जो पोलराइजर वन है उसको वर्टिकली रखा गया है और दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल. तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो इसके होल्स बन रहे हैं या ये जो लाइनिंग बन रही हैं वो हॉरिजॉन्टल है और इस वाले में ये वर्टिकल है. तो जब वर्टिकल होगा, वर्टिकल अलाइनमेंट जब होगा पोलराइजर का, तो लाइट की केवल वर्टिकल कंपोनेंट को ये पास करेगा. जो लाइट की वर्टिकल कंपोनेंट होंगी वो इसके थ्रू तो पास हो जाएंगी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल टाइप की कंपोनेंट होंगी वो पास नहीं हो पाएंगी. तो इस तरीके से हमें जो बाद में लाइट वेव मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, वो मिलेगी वर्टिकली पोलराइज लाइट वेव, यानी उसमें हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट गायब हो जाएगा. यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट है, यहाँ दोनों ही कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, लेकिन जब हम ऐसा पोलराइजर यूज करेंगे जो वर्टिकली है रखा हुआ है तो हमें केवल मिलेगा वर्टिकल पोलराइज लाइट. और उसके बाद सेकेंड में अगर हम हॉरिजॉन्टल पोलराइज लगाते हैं तो कोई भी लाइट आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये इसको ब्रेक कर देगा. यहाँ हॉरिजॉन्टल पोलराइजर लगा हुआ है और ये वर्टिकल है तो ये इससे क्रॉस नहीं हो पाएगा. तो इसके बाद सेकेंड पोलराइजर के बाद हमें कोई भी लाइट नहीं मिलने वाली.
पोलराइजिंग मटेरियल। ए पोलराइजिंग मटेरियल विल ओनली अलाउ द पासेज ऑफ दैट कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ पैरेलल टू द पोलराइजिंग डायरेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो जो पोलराइजिंग मटेरियल होते हैं वो केवल अलाउ करते हैं ऐसे कंपोनेंट पे, ऐसे कंपोनेंट को यानी लाइट के ऐसे कंपोनेंट को जो कि पैरेलल हो पोलराइजिंग डायरेक्शन के, पोलराइजिंग डायरेक्शन के जो पैरेलल हो, जैसे इस वाले में जो वर्टिकल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट ये इसके पैरेलल था जो पोलराइजर था, तो इसको इसने क्या किया, इसको पास कर दिया यहाँ से, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को जो इस तरीके से था उसको ब्लॉक कर दिया। तो वही है कि पास केवल उसी को करता है जो उसके पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द पोलराइजेशन डायरेक्शन। तो पोलराइजिंग मटेरियल ओनली अलाउ करता है ऐसे कंपोनेंट को जो पैरेलल हो पोलराइजिंग एक्सिस के या पोलराइजेशन डायरेक्शन के। जैसे यहाँ पे पोलराइजेशन के बाद दिखाया गया है कि हमें क्या मिल रहा है, वर्टिकली पोलराइज लाइट, वर्टिकली पोलराइज लाइट। अगर हम एक सिंगल पोलराइजर यूज करेंगे और अगर उस पोलराइजर का डायरेक्शन वर्टिकली है, वर्टिकल है, जैसे पिछले वाले में पहला वाला था, तो अगर वर्टिकल होगा तो केवल हमें वर्टिकली पोलराइज लाइट मिलेगी। और फिर इसको अगर हम अनदर एक पोलराइजर से पास कराएं जो कुछ थीटा एंगल पे है, वर्टिकली पोलराइज लाइट वाले एक्सिस से थीटा एंगल पे अगर कोई पोलराइजर है दूसरा वाला, तो ये क्या करेगा कि ये कुछ लाइट को पास करेगा, उस लाइट को जो इस पोलराइजर एक्सिस के, इसको हम पोलराइजर एक्सिस बोलते हैं, उसके जो पैरेलल लाइट होंगी सिर्फ वो क्रॉस करेंगी, तो इंटेंसिटी हमारी और कम हो जाएगी। जैसे शुरू शुरू में अगर इंटेंसिटी आई नॉट थी, तो वर्टिकली पोलराइज होना मतलब जैसे ये आई नॉट है इनिशियली, लेकिन वर्टिकली पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट अपन हाफ, क्योंकि ये केवल हाफ कंपोनेंट को पास कर रहा है और हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को रोक दे रहा है। दो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक लाइट में एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अगर एक कंपोनेंट को रोक दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि हाफ कंपोनेंट पास करेंगे, यानी उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट पहले है तो बाद में आई नॉट बाई टू हो जाएगी। तो जो वर्टिकली पोलराइज लाइट हमें मिल रही है उसका, उसकी जो इंटेंसिटी होगी इस वर्टिकली पोलराइज लाइट की, वो होगी आई नॉट अपॉन टू, आई नॉट बाई टू। और उसके बाद जब अदर एक पोलराइजर से हम पास कराएंगे इसको, और अगर वो थीटा एंगल पे है तो इसकी इंटेंसिटी और रिड्यूस हो जाएगी और वो हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को मिलस ने बताया था कि अगर हम पैरेलल ना रखें जो सेकंड पोलराइजर है, इसको अगर हम उसके पैरेलल वर्टिकली पोलराइज लाइट के पैरेलल ना रखें, कुछ एंगल पे रख दें, जैसे ये डॉटेड वाला जो लाइन है, जो डॉटेड लाइन दिख रहा है ये पैरेलल है, जो डॉटेड लाइन है ये वाली, ये डॉटेड लाइन जो यहाँ पे थी वो पैरेलल है, ये डॉटेड लाइन उसके पैरेलल है, डॉटेड लाइन पैरेलल है। लेकिन अगर पैरेलल में ना रखें बल्कि इसको कुछ एंगल पे रखें इस तरीके से, तो जितने एंगल से, इसी को हम पोलराइजिंग एंगल भी बोलते हैं, तो जितने एंगल से ये डेविएट होगा पोलराइजर एक्सिस, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन एक्सिस, उतनी ही एक्सिस को ये की लाइट को ये पास करेगा और इंटेंसिटी और कम हो जाएगी, तो आई ज़ीरो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो थीटा है वो एंगल है ई और ई कॉस थीटा के बीच का। नाउ पोलराइजेशन बाई यूज अ पोलराइड फिल्टर। तो द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ पोलराइजेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ पोलराइड फिल्टर। तो सबसे कॉमन मेथड जो पोलराइजेशन का है वो पोलराइड फिल्टर्स को यूज करके, और ये पोलराइड फिल्टर्स जो होते हैं वो बने होते हैं एक स्पेशल मटेरियल से। पोलराइड फिल्टर्स आर मेड ऑफ ए स्पेशल मटेरियल दैट इज कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग वन ऑफ द टू प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये पोलराइजर जो होते हैं या पोलराइड फिल्टर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल मटेरियल होते हैं,
और कैपेबल होते हैं कि वो दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में से एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को वो ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो कैपेबल ऑफ ब्लॉकिंग वन ऑफ द टू प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी हमने बताया कि दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को ये ब्लॉक कर सकते हैं पोलराइजर फिल्टर। आगे है, इन दिस सेंस ए पोलराइड सर्व एज अ डिवाइस दैट फिल्टर आउट वन हाफ ऑफ द वाइब्रेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पोलराइड है वो एक तरह का डिवाइस है जो फिल्टर कर रहा है आधे भाग को, वाइब्रेशन के आधे भाग को फिल्टर कर दे रहा है, जो कि ट्रांसमिट होके आ रहा है फिल्टर के ऊपर। When unpolarized light is transmitted through a polarizing filter, तो जब कोई unpolarized light transmit होती है through a polarizing filter, तो इसका one half of intensity and with vibration in a single plane, it emerges as the polarized light. तो जब कभी unpolarized light transmit करती है किसी polarizer से तो क्या होता है, it emerges with one half the intensity. ये जब पोलराइजर, ये यहाँ पे एक पोलराइजर की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ से वही लाइट पास करेगी जो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि बाकी जगह पे ये फिल शो कर रहा है, भरा हुआ है, तो वहाँ से कोई लाइट पास नहीं करेगी। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली लाइट यहाँ से पास नहीं कर पाएगी, केवल वर्टिकल कंपोनेंट वाली लाइट यानी ये वाली लाइट पास करेगी इसके थ्रू, और हमें यही लाइट मिलेगी जिसको हम पोलराइज लाइट बोलेंगे। तो एंड विथ वाइब्रेशन इन ए सिंगल प्लेन, सो दिस इज शोइंग द सिंगल प्लेन, इट इमर्जेज एज द पोलराइज लाइट। सी, सो दिस इज अनपोलराइज लाइट एंड व्हेन पासेस थ्रू पोलराइड फिल्टर वी गेट अ पोलराइज लाइट। तो ओनली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर पासिंग थ्रू दिस पोलराइड्स। ए पोलराइड फिल्टर्स आर एबल टू पोलराइज लाइट बिकॉज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। अब ये पोलराइजेशन होता क्यों है पोलराइड फिल्टर से, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फिल्टर मटेरियल, जो फिल्टर मटेरियल होता है या जिसको हम पोलराइजर बोलते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि दिस फिल्टर कैन बी थॉट ऑफ एज अ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल that are aligned within the filter in the same direction. तो इस फिल्टर को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि उसमें एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स का एक अरेंजमेंट होता है, वो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरह से वर्टिकली भी हो सकता है इस तरह से, और या फिर हॉरिजॉन्टल टाइप से भी हो सकता है। तो during the fabrication of the filter, the long chain molecules are stretched along the filter so that each molecule is aligned in say the vertical direction. तो हम दोनों direction में मान सकते हैं, कभी molecules का arrangement हम vertical direction में मान लेंगे तो horizontal space बनेगा कि हम horizontal light pass करें, और कभी अगर हम इसको इस तरह से ले लेंगे horizontal direction में तो यहाँ से vertical को वो block करेगा। तो एज अनपोलराइज लाइट स्ट्राइक द फिल्टर द पोर्शन ऑफ द वेव वाइब्रेटिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन आर एब्जॉर्ब बाय द फिल्टर। तो अगर अनपोलराइज लाइट स्ट्राइक करती है फिल्टर को, देन द पोर्शन ऑफ वेव वाइब्रेटिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, जो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा फिल्टर के द्वारा, क्योंकि एक जनरल रूल ये है, जनरल रूल इज दैट the electromagnetic vibration that are in direction parallel to the alignment, the molecules are absorbed. तो जो parallel होंगे alignment के वो absorb कर लिए जाएंगे, और जो perpendicular वाले हैं वो pass हो जाएंगे। उसको हम दिखाएंगे next slide में, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइजेशन एक्सिस। तो ये जो लाइन है ये शो कर रही है पोलराइजेशन एक्सिस को,
और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की चेन जो दिख रही है ये ग्रीन कलर में, जो मॉलिक्यूल्स की चेन दिख रही है ये वर्टिकल है और यहाँ पे वही चीज़ हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पे ये पोलराइजेशन एक्सिस है, पोलराइजेशन एक्सिस। तो समझने वाली चीज़ है कि मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है, जो लॉन्ग चेन बना है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इस केस में हम पोलराइजिंग एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लेते हैं, और जब लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है इस तरीके से, इस डायरेक्शन में होता है, तो हमारा पोलराइजर एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होता है। तो लाइट केवल उसी डायरेक्शन से पास होती है जहाँ पोलराइजेशन के वो पैरेलल होती है, पोलराइजेशन एक्सिस के पैरेलल या पोलराइजर के पैरेलल। तो जो लाइट इसके पैरेलल होगी वो पास करेगी इससे, अदरवाइज वो ब्लॉक हो जाएगी इस मॉलिक्यूल चेन में। यानी यहाँ पे पोलराइजर के थ्रू लाइट पास करेगी, इसको देख लेते हैं एक बार। द अलाइनमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल गिव्स द फिल्टर ए पोलराइजेशन एक्सिस। तो मॉलिक्यूल्स का जो अलाइनमेंट है, जो मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स का जो अलाइनमेंट होता है, वही पोलराइजेशन एक्सिस को डिसाइड करता है। दिस पोलराइजेशन एक्सटेंड अक्रॉस द लेंथ ऑफ द फिल्टर एंड ओनली अलाउ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर पैरेलल टू द एक्सिस टू पास थ्रू। जो उसके पैरेलल होगा उसको पास करेगा। एनी वाइब्रेशन दैट आर परपेंडिकुलर टू द पोलराइजेशन एक्सिस। तो पोलराइजेशन एक्सिस के जो पैरेलल लाइट होगी उसी लाइट को पोलराइजर पास करता है, जो उसके परपेंडिकुलर आती है पोलराइजेशन एक्सिस के वो उसको ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज ब्लॉक बाय द फिल्टर। दस अ पोलराइडर फिल्टर विथ इट्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अलाइंड हॉरिजॉन्टली विल हैव अ पोलराइजेशन एक्सिस अलाइंड वर्टिकली। तो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स अगर हॉरिजॉन्टल है तो जो पोलराइजेशन एक्सिस होगा वो लाई करेगा वर्टिकली। इस पहले वाले फिगर में हमने देखा था जिस समय हॉरिजॉन्टल होगा मॉलिक्यूल्स चेन का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उस समय हमारा पोलराइजेशन एक्सिस वर्टिकल होगा, और जिस समय वर्टिकली मॉलिक्यूल का डायरेक्शन होगा चेन का, उस समय पोलराइजेशन एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। वही है ऑन द अदर हैंड पोलराइजर फिल्टर विथ इट्स लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अलाइन वर्टिकली विल हैव अ पोलराइजेशन एक्सिस अलाइंड हॉरिजॉन्टली। तो अगर हमारा पोलराइड फिल्टर का जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जैसे यहाँ पे है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जो पोलराइजेशन एक्सिस है ये वाली, ये हॉरिजॉन्टली होगी, हॉरिजॉन्टल, एंड दिस फिल्टर विल ब्लॉक द वर्टिकल वाइब्रेशन। और ये जो है ये ब्लॉक करेगा किसको, वर्टिकल वाले को। हॉरिजॉन्टल लाइट तो क्रॉस कर जाएगी इसके थ्रू, लेकिन ये वर्टिकल वाले को ब्लॉक कर लेगा एंड अलाउ ओनली द हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन टू बी ट्रांसमिटेड। तो पोलराइजिंग जो समरी ये है कि जो लाइट का कंपोनेंट पोलराइजिंग एक्सिस के पैरेलल होगा उसी लाइट को पोलराइजर पास करता है, अदरवाइज जितनी भी लाइट होंगी उन सबको ब्लॉक कर देता है। जैसे इस वाले में है तो यहाँ पे इसके पैरेलल जो भी लाइट आएंगी वो पास करेंगी, और हॉरिजॉन्टल में जो भी लाइट आएंगी वो सब ब्लॉक हो जाएंगी। यहाँ देखते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय यूज ऑफ पोलराइड फिल्टर इज ऑफन डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फिजिक्स क्लास थ्रू अ वेराइटी ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को हम कई तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। फिल्टर्स आर यूज टू लुक थ्रू एंड व्यू ऑब्जेक्ट्स। फिल्टर्स को हम यूज़ करते हैं देखने के लिए किसी भी व्यू को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। दिस फिल्टर डज नॉट डिस्टॉर्ट द शेप और द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फिल्टर्स होते हैं वो शेप या डायमेंशन को चेंज नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, सिर्फ प्रोड्यूस ए डिमर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका एक डिमर, मतलब एक तरीके से धुंधला टाइप का इमेज बनाते हैं,
यानी इंटेंसिटी थोड़ी इनकी डिक्रीज हो जाती है, इंटेंसिटी लो रहती है जो पोलराइज लाइट होती है। सिंस वन हाफ ऑफ द लाइट इज़ ब्लॉक्ड एज इट पास थ्रू द फिल्टर, क्योंकि आधी लाइट जो है ब्लॉक हो जाती है फिल्टर से पास होने के बाद, तो इसीलिए हम लोग सनग्लास भी यूज़ करते हैं कि आधी लाइट को वो, या पोलराइजर ग्लास आते हैं जो काफ़ी महंगे आते हैं, तो वो क्या करता है आधी लाइट को ब्लॉक कर देता है और आधी लाइट हमारे पास आती है जिससे हम आराम से देख सकते हैं। तो पोलराइजेशन के थ्रू हम उसको ब्लॉक कर पाते हैं और हमारे देखने में आसानी हो जाती है। ए पेयर ऑफ फिल्टर्स, और ऐसे कहें कि नॉर्मल आँख से हम इसको नहीं महसूस कर सकते कि हम पोलराइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पोलराइजर के थ्रू होता है, एक नॉर्मल आँख ऐसा नहीं कर सकती। तो ए पेयर ऑफ फिल्टर्स इज ऑफन प्लेस्ड बैक टू बैक इन ऑर्डर टू व्यू ऑब्जेक्ट लुकिंग थ्रू द टू फिल्टर। तो अगर हम पेयर ऑफ फिल्टर यूज करेंगे बैक टू बैक तो हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। बाय स्लोली रोटेटिंग द सेकेंड फिल्टर एंड ओरिएंटेशन कैन बी फाउंड इन विच ऑल द लाइट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज ब्लॉक्ड। तो अगर हम उसको रोटेट करें सेकेंड फिल्टर को, एक फिल्टर को हम एज इट इज़ रखेंगे और जो दूसरा वाला फिल्टर है सेकेंड फिल्टर उसको हम रोटेट करेंगे, तो स्लोली स्लोली अगर उसे हम रोटेट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसका ओरिएंटेशन हो रहा है और धीरे धीरे ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। इसी को हम देखेंगे, अगर दो पोलराइजर को आपस में परपेंडिकुलर रख देंगे तो एक पोलराइजर हाफ लाइट को ब्लॉक करेगा और दूसरा वाला पोलराइजर आधी हाफ लाइट को ब्लॉक कर देगा और लास्ट में हमें केवल ब्लैक दिखेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। दैट ऑब्जेक्ट कैन नो लॉन्गर बी सीन व्हेन व्यू थ्रू टू फिल्टर। तो ऐसा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हमें नहीं दिख पाएगा अगर हम दो फिल्टर से देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, इन दिस डिमॉन्स्ट्रेशन द लाइट वॉज पोलराइज अपॉन द पासेस थ्रू फर्स्ट फिल्टर। तो पहले फिल्टर से वो पोलराइज होती है, तो मान लो कि अगर ओनली वर्टिकल वाइब्रेशन आर एबल टू पास थ्रू, अगर वहाँ से वर्टिकल वाइब्रेशन केवल पास हो रहा है एंड दिस वर्टिकल वाइब्रेशन आर देन ब्लॉक बाय द सेकेंड फिल्टर, तो जो वो वर्टिकल वाइब्रेशंस है उसको अगर हम फिर से सेकेंड फिल्टर के थ्रू पास करेंगे तो ये इसको हम अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखते हैं तो ये वर्टिकल वाले को ब्लॉक कर देगा, तो आगे हमें कुछ नहीं दिखने वाला। व्हाइल यू आर सी अनेबल टू सी द एक्सिस ऑफ द फिल्टर, यू विल नो व्हेन द एक्सिस आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज विथ दिस ओरिएंटेशन ऑल लाइट इज़ ब्लॉक्ड। तो फर्स्ट पोलराइजर को हम इस तरीके से रखेंगे कि लाइट के वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ब्लॉक कर रहा है, तो वहाँ से हमें वर्टिकली पोलराइज लाइट मिलेगी। वर्टिकली पोलराइज लाइट को अगर हम पास करेंगे एक दूसरे पोलराइजर से जहाँ पोलराइजेशन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, तो जब हॉरिजॉन्टल होगी पोलराइजेशन एक्सिस तो वो वर्टिकल लाइट को पास नहीं करेगी जिससे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। सो बाई यूज ऑफ टू फिल्टर वन कैन कम्प्लीटली ब्लॉक ऑल द लाइट दैट इज इंसिडेंट अपॉन द सेट। तो पूरी लाइट को अगर हमें ब्लॉक करना है तो हमें दोनों पोलराइजर को आपस में परपेंडिकुलर रखना होगा। दिस विल अकर ओनली इफ द पोलराइजेशन एक्सिस आर रोटेटेड सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो पोलराइजर को हम आपस में परपेंडिकुलर रख दें और फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहें तो वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक सिंगल पोलराइजर जो होगा वो हाफ लाइट को ब्लॉक करेगा, जो वर्टिकल वाला होगा वो हॉरिजॉन्टल को करेगा या जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो वर्टिकल वाले को करेगा, और नेक्स्ट वाले को अगर परपेंडिकुलर कर देंगे तो वो दूसरी लाइट को भी ब्लॉक कर देगा जिससे हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। इस चीज़ को हम यहाँ से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सो टीचर सीन थ्रू टू पोलराइड्स, तो दो पोलराइड्स को दिखाया गया है जहाँ पे एक्सेस अलाइन पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर दोनों पोलराइजर का एक्सेस अगर पैरेलल है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और दोनों पोलराइजर का एक्सेस पैरेलल है, जैसे एक पोलराइजर ये है और दूसरा वाला पोलराइजर ये है, दोनों का एक्सेस पैरेलल है,
तो उस केस में हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ विजिबिलिटी आ रही है, विजिबिलिटी आ रही है, लेकिन वही चीज़ जब परपेंडिकुलर में है तो हमें यहाँ पे पूरा का पूरा डॉग दिख रहा है। दोनों पोलराइजेशन का जो सुपरपोजिशन वाला केस है या इंटरसेक्शन वाला, वहाँ पे पूरी तरह से ब्लैक दिख रहा है, यानी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यही केस है कि अगर पोलराइजर को हम दो पोलराइजर लें और उनको आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तो हमें कोई भी लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। मतलब कुछ ऐसा होगा कि इंटेंसिटी उसकी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, सारी लाइट ब्लॉक हो जाएगी। तो पोलराइजर एंड अनपोलराइज लाइट, सो ये एक और डायग्राम है उसी चीज़ के लिए। दिस इज़ अनपोलराइज लाइट। तो आई नॉट अगर इंटेंसिटी की अनपोलराइज लाइट है और इसको अगर हम पास कराएं किसी पोलराइजर से, तो वो एंगल पे डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी लाइट। अगर थीटा एंगल पे नहीं होगा तो सीधे सीधे आई ज़ीरो बाई टू हमें मिलेगा, आधी लाइट को वो ब्लॉक करेगा, आधी लाइट को वो पास करेगा। तो सीधी सी बात है, अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है तो आधी लाइट पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई टू। लेकिन अगर हम पोलराइजर को थोड़ा थीटा एंगल पे घुमा दें, ये मिलर्स ने एक्सपेरिमेंटल किया था, तो जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू घटती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू घटने का मतलब ये है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो और डिक्रीज़ होती जाती है, यानी ये जो वैल्यू मिलेगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में मिलेगी। यानी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होगा कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी और इंटेंसिटी और लो हो जाएगी, धीरे धीरे और कम हो जाएगी। और वही अगर सीधे हम परपेंडिकुलर कर देंगे तो पूरी की पूरी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। ये वही केस है जहाँ दो पोलराइजर परपेंडिकुलर रखे जाते हैं। सो दिस शोइंग द क्रॉस पोलराइजर, सो दिस इज अनपोलराइज लाइट, और ये है एक पोलराइजर जो इंटेंसिटी को आधा कर रहा है आई ज़ीरो बाई टू। और फिर हम अगर एक एनालाइजर यूज करें, जो पोलराइजर ही होता है, इसको एनालाइजर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसके थ्रू अब एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम पोलराइजर लिए और इंटेंसिटी को देख रहे हैं कि ये इंटेंसिटी को हाफ़ कर दे रहा है, यानी वर्टिकली पोलराइज लाइट हमें मिल रहा है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल वाला ब्लॉक हो गया, क्योंकि जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो पैरेलल है, इसी को पोलराइजिंग एक्सिस भी बोलते हैं। तो केवल इसके पैरेलल वाली लाइट आगे पास होगी तो हमें ये मिल रहा है यहाँ पे वर्टिकली पोलराइज लाइट, और इसकी इंटेंसिटी है आई ज़ीरो बाई टू, आई ज़ीरो बाई टू। अब इसको अगर हम एक दूसरे पोलराइजर से एनालिसिस करें, इसीलिए इसको एनालाइजर बोलते हैं, तो एनालिसिस करते हैं तो हम क्या पाते हैं, जैसे जैसे हम एंगल घुमा रहे हैं थीटा, जैसे जैसे एंगल हम घुमाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी और कम हमें मिलेगी, आई इक्वल टू आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आई की वैल्यू घटेगी, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू घटेगी, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस थीटा डिक्रीज करेगा, तो हमें लाइट कम मिलेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस एक्सिस को घुमा के, इस एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में घुमा देंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी और पूरा का पूरा आई ज़ीरो हो जाएगा, यानी हमें कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। सो द फर्स्ट पोलराइजर रिड्यूसेस द इंटेंसिटी बाई हाफ, जो पहला पोलराइजर है वो इंटेंसिटी को हाफ रिड्यूस करता है। सेकेंड पोलराइजर रिड्यूसेस द इंटेंसिटी बाई अनदर फैक्टर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड द सेकेंड पोलराइजर प्रोजेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू अ न्यू एक्सिस रोटेटेड बाई थीटा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइजर। जो सेकेंड पोलराइजर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ थीटा एंगल पर रोटेट करा रहा है, कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से इसका एक्सिस थीटा एंगल पर रोटेशन में है, जिससे हमें इंटेंसिटी और लो मिलती है। ये है कुछ इमेज जो क्लेरिफाई कर रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक अनपोलराइज लाइट है, इसको हम अगर पोलराइजर के थ्रू फिल्टर कराएंगे तो फिल्टर होके हमें केवल वर्टिकली पोलराइज लाइट मिलेगी। अब फिर इसको अगर हम सेकेंड पोलराइजर से पास करें जो उसके पैरेलल है,
बिल्कुल सेम एक्सिस है दोनों का, ये भी और ये भी दोनों पैरेलल है, तो हमें सेम लाइट मिलेगी, कोई भी इंटेंसिटी में कमी नहीं आएगी, सेम टाइप का लाइट होगा। वर्टिकल लाइट पास हो रही है, यहाँ भी वर्टिकल लाइट पास हो रही है, और कुछ इस तरीके का नज़ारा होगा। पोलराइजेशन इन पैरेलल कम्बिनेशन, तो दो पोलराइजर हैं, ये पहला ये दूसरा, दोनों को अगर पैरेलल में रखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये है रीज़न ऑफ ओवरलैप, और अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, यानी इस दूसरे वाले पोलराइज़र को हॉरिजॉन्टल में कर देते हैं, यानी इसका अलाइनमेंट अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर देते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से वर्टिकल लाइट पास करेगी, वर्टिकल लाइट पास करेगी तो हमें क्या मिलेगा, वर्टिकली पोलराइज लाइट मिलेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई भी लाइट पास नहीं होगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी लाइट हमें नहीं मिल रही है, तो ये क्या शो करेगा, पूरा का पूरा डार्क शो करेगा ओवरलैपिंग रीजन में। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन था कि अगर हमारा पोलराइजर आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है तो कोई भी लाइट हमें नहीं दिखेगी, पूरी तरह से जो अनपोलराइज लाइट है वो ब्लॉक हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है तो हमें लाइट मिलेगी, वर्टिकली पोलराइज लाइट इस तरह से। और इसको अगर हम कुछ डिफरेंट एंगल से क्रॉस कराएं, अगर परपेंडिकुलर ना करा के कुछ थीटा एंगल से क्रॉस कराएं, जैसे मान लीजिए ये है पैरेलल और ये वाला एंगल थीटा डिग्री, तो थीटा डिग्री से अगर इसको हम क्रॉस कराएंगे तो हमें इसके पैरेलल जो पोलराइजिंग एक्सिस है इसी के पैरेलल हमें लाइट मिलेगी, इंटेंसिटी थोड़ी लो हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो अगर हम थीटा एंगल से घुमाते हैं सेकेंड पोलराइजर को, ये हमारा सेकेंड पोलराइजर है, तो हमें इंटेंसिटी तो मिलेगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी कुछ रिड्यूस्ड होगी, जितना वर्टिकली पोलराइज यहाँ पे था उतनी लाइट यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि वो कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगी, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे वैसे कम हो जाएगी। तो इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, सो पोलराइजेशन हैज़ अ वेल्थ ऑफ अदर एप्लीकेशन डिसाइड देयर यूज़ इन ग्लेयर रिड्यूसिंग सनग्लासेस, तो इनका यूज़ सनग्लासेस में भी होता है। इंडस्ट्री में पोलाइट फिल्टर्स यूज्ड होते हैं टू परफॉर्म स्ट्रेस एनालिसिस टेस्ट ऑन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स, तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के ऊपर स्ट्रेस को देखने के लिए भी पोलराइडर यूज होते हैं। पोलराइड ए लाइट पास थ्रू द प्लास्टिक, ईच कलर ऑफ द विजिबल लाइट इज पोलराइज विद इन इट्स ओन डायरेक्शन, तो जब लाइट पास करती है किसी प्लास्टिक के थ्रू तो लाइट में जितने भी कलर होती हैं विजिबल लाइट में, जैसे 7 कलर होती हैं, तो वो अपने अपने अलग डायरेक्शन ओरिएंटेशन शो करती हैं। इन सच अ प्लास्टिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोलराइजिंग प्लेट, ए कलरफुल पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एंड एज द टॉप प्लेट इज टर्न द कलर पैटर्न चेंजेस एज न्यू कलर बिकम्स ब्लॉक्ड, जो कलर का पैटर्न है वो चेंज हो जाता है और एक नया कलर ब्लॉक हो जाता है, एंड द फॉर्मली ब्लॉक्ड कलर आर ट्रांसमिटेड। ए कॉमन फिजिक्स डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व प्लेसिंग ए प्लास्टिक प्रोटेक्टर बिटवीन टू पोलराइड प्लेट्स एंड प्लेसिंग देम ऑन द टॉप ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। इट इज़ नोन दैट द स्ट्रक्चरल स्ट्रेस इन द प्लास्टिक इज सिग्निफिकेंट या सिग्निफाइड एट द लोकेशन वेयर देयर इज ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ कलर्ड बैंड। जैसे जो कॉम्पैक्ट डिस्क आता है सीडी, उसमें भी देखते हैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। दिस लोकेशन ऑफ स्ट्रेस इज यूजली द लोकेशन वेयर स्ट्रक्चर फेल्योर विल मोस्ट लाइकली अकर, परहैप्स यू विश दैट मोर केयरफुली स्ट्रेस एनालिसिस वेयर परफॉर्म ऑन द प्लास्टिक केस ऑफ सीडी दैट यू आर रिसेंटली परचेस्ड, तो उसमें जो न्यू सीडीज होती हैं उसमें देख सकते हैं कि काफ़ी लाइन्स हमें वहाँ दिखती हैं जो पोलराइजेशन के कारण है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, थैंक यू।